और आपका स्वागत है कुछ अपडेट लाइव न्यूज चैनल में। आइए करते कुछ खास खबरों की शुरुआत, देखते रहे कुछ अपडेट लाइव न्यूज चैनल। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन पर विधायक सचिन बिल्ला ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। इसको लेकर बड़वा विधायक सचिन बिल्ला ने मंगलवार को भगवान हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पंडित संजय पाठक द्वारा मंत्रों उपचार कर पूजा अर्चना कराई गई। विधायक सचिन बिल्ला ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि 5 अगस्त को हमारे देश के अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन है। आज मंगलवार से ही भगवान खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कामना की है कि देश में कोरोना की इतनी बड़ी महामारी है, उससे भी हमें निजात दिलाए। भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है, इसको लेकर पूरे देश में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर बड़वा विधानसभा में सभी घर घर दीप जलाने का आह्वान किया है और प्रत्येक घर पर दीप जलेगा व भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, यही संदेश के साथ शुभकामनाएं दी है। मालूम हो कि विधायक सचिन बिल्ला भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त है, जो रोज सुबह खेड़ापति हनुमान मंदिर में भगवान की पूजा पाठ कर चोला चढ़ाते हैं। बेड़िया से सुनील पटेल की रिपोर्ट। कल अयोध्या में भगवान श्री राम का भूमि पूजन है मंदिर का, क्या कहेंगे आप? बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में भगवान राम जी के अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन का कल अवसर है और आज से ही हम लोगों ने हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भगवान हनुमान जी महाराज से भी कामना की है कि देश में जो हमारे आज इतनी बड़ी महामारी आई है उससे भी हमें निजात दिलाएं और रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसके अवसर पर भी पूरे देश के अंदर और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। इसी तारतम्य में हमने भी हमारी विधानसभा में सभी घर घर दीप जलाने का आज से ही आह्वान किया है और प्रत्येक घर पर दीप जलेगा और भगवान राम लला का बहुत बड़ा भव्य मंदिर हमारे देश में बनेगा, यही शुभकामना है। देखते रहिए कुशागर लाइव न्यूज चैनल, आगे की खबर जारी रहेगी।